Hello everyone, welcome to my channel. My name is Ritesh and you're watching Travelog by Ritesh. So let's start. ये वीडियो है 1st of July का और ये वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या सिचुएशन है अभी गोवा में, वेदर कंडीशन कैसी है और कितने टूरिस्ट अभी है और बीच पे क्या सिचुएशन है, सारा कंप्लीट इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको काफ़ी सिचुएशन अवेयरनेस मिल जाएगी गोवा की अभी क्या है। ये वीडियो को जहाँ से शूट किया था वो कैलिंगुड सर्कल था और उसी सर्कल के थोड़ा सा आगे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे एक कार पार्किंग है। आप देख सकते हैं कि पार्किंग में फुल तो नहीं है लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी ज़्यादा कार और बस पार्क है, इसका मतलब टूरिस्ट अभी है। और इसी की पार्किंग के बाहर जो है वो टू व्हीलर पार्क होते हैं तो वहाँ भी काफ़ी सारे टू व्हीलर पार्क थे। तो आप देख सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको दिखाया कि आपको एक सिचुएशन पता चल सके कि कितने अभी टूरिस्ट हैं, उससे एक आइडिया लग सके कि पार्किंग में देखे कि कितनी कार पार्क है। और अगर हम वेदर की बात करें तो रुक रुक के बारिश हो रही है। जब मैं ये शूट करने गया था तो बारिश नहीं थी बट काफ़ी ज़्यादा बादल छाए हुए थे तो ऑलमोस्ट ये तय था कि बारिश आने वाली है। और जो मेन शॉप्स है गारमेंट रिलेटेड, काजू की या और भी जो शॉप्स है वो ऑलमोस्ट खुली हुई है। हाँ थोड़ा सा क्राउड कम था, लास्ट जब मैंने वीडियो बनाया था उसमें तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तब समर हॉलीडे भी चल रहे थे आई थिंक, इसलिए ज़्यादा भीड़ थी। बट टूरिस्ट है, आप अगर आएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि टूरिस्ट नहीं है अभी। मैं जैसे ही बीच तक पहुंचने वाला था कि बारिश स्टार्ट हो गई। आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ बारिश है और यहाँ जब भी बारिश आती तो अचानक से बहुत तेज़ और बहुत तेज़ हवा के साथ आती है, आप सडनली भीग सकते हैं। तो अगर आप गोवा आ रहे हो और आप भीगना नहीं चाहते तो हमेशा अपने साथ अम्ब्रेला या रेनकोट ज़रूर रखें क्योंकि यहाँ मौसम कभी भी चेंज हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा मुंबई में कि कभी धूप कभी बारिश, वैसे ही यहाँ पर होता है। तो अराउंड 20 मिनट्स के बाद बारिश थोड़ी कम हो गई थी तो मैं बीच की तरफ जाने लगा और आप देख सकते हैं काफ़ी लोग बीच से आ रहे हैं वापस और जो बीच के आसपास का मार्केट है वो भी ओपन है, सारी शॉप्स ओपन है। तो ये कंडीशन है बट हवा काफ़ी तेज़ थी तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था मुझे अम्ब्रेला को लेके, तो ये स्ट्रगल थोड़ा रहता है बीच के पास अम्ब्रेला का। तो ये है कैलिंगुड बीच जुलाई में, आप देख सकते हैं क्राउड डिसेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट फ्राइडे और जुलाई को देखते हुए ठीक मैं कहूँगा इस क्राउड को। और आप देख सकते हैं वेदर बहुत ही सुंदर हो रखा है, हालांकि बारिश आती है बट यही तो मज़ा है मानसून में कि सामने आप बीच को देख रहे और वेव्स आ रही है और साथ में बारिश भी आप इंजॉय कर रहे। तो ये खूबसूरत चीज़ आपको गोवा में मिलेगी जहाँ आप साइड में बीच शैक पे बैठ के अपना फूड और ड्रिंक्स को एंजॉय कर रहे हैं और बारिश और सी को देख रहे हैं। तो परफेक्ट वेदर हो रखा है, अगर आप चाहते हैं ऐसा वेदर एंजॉय करना तो ये परफेक्ट टाइम है जहाँ ना ज़्यादा बहुत क्राउड है और आप एंजॉय भी परफेक्ट कर पाएंगे। लोग बस इतना ही अभी जा सकते हैं, बीच बीच में अनाउंसमेंट होता है लाइफ गार्ड का कि आप ज़्यादा अंदर ना जाएं और वो सेफ़ भी है, आपको ज़्यादा अंदर जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि वेव्स बहुत तेज़ है और हवा भी बहुत तेज़ है तो आपका बैलेंस भी बिगड़ सकता है इसमें। और आप यहाँ से इंजॉय करें बीच। और ये शैक है जो कि ओपन था, बहुत ज़्यादा फुल था, बहुत क्राउड था इसमें, तो ये सिचुएशन है। मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं रुक पाया क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मेरा अम्ब्रेला मुझसे नहीं संभल रहा था और बारिश इतनी हो रही थी कि मैं ऑलमोस्ट भीग चुका था और मुझे यहाँ से अभी बागा भी कवर करना है तो मैं इतना ही कवर कर पाया कैलिंगुड को। तो अब हम जा रहे हैं बागा बीच की तरफ
और मैंने सोचा कि इस रास्ते को भी मैं शूट कर सकूं, तो आपको एक आइडिया मिल सके कि अभी इस रास्ते में कितना क्राउड है और क्या क्या शॉप्स और रेस्टोरेंट ओपन है। तो मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट 80% शॉप्स और रेस्टोरेंट ओपन है, हालांकि कुछ बंद हुए हैं क्योंकि यूजुअली मेंटेनेंस करने का भी यही टाइम होता है उनके पास, या रिनोवेट करने का भी यही टाइम होता है। तो मोस्टली लोग इसलिए भी क्लोज करते हैं कि उसमें कुछ या मेंटेनेंस या रिनोवेशन वो लोग कर रहे होते हैं। बट मार्केट जो है वो ओपन है, आप आएंगे तो शॉपिंग जो भी करना चाहते हैं गोवा की वो आप इजीली कर सकते हैं, और खाने की भी कोई आपको फिक्र नहीं करनी है। सारे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ओपन है, नॉन वेजिटेरियन, सी फूड, जो भी आप खाना प्रेफर करते हैं वो सब कुछ ओपन है, सारे बार ओपन है। इससे पहले का प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि जहाँ पे मैं गया था, आप वो लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं। और भी आने वाले टाइम पे मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगा जहाँ पे अच्छा म्यूज़िक, अच्छा फूड और आप इंजॉय कर सकते हैं मानसून में। तो मैं ये कहूँगा कि डिसेंट क्राउड था रास्ते में और सारी शॉप्स ओपन है। तो इसी रूट पे आपको राइट हैंड साइड पे पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड्स, ये सब मिल जाएंगे और ये सारे ओपन हैं, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको फूड की फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ओपन है यहाँ पे। तो इसी रास्ते में एक मार्केट पड़ता है जिसका नाम है तिब्बतन मार्केट। जो इससे पहले गोवा आ चुके हैं वो शायद जानते होंगे इसके बारे में, बट जो नहीं आए हैं मैं उनको बता दूँ कि यहाँ पे एक फेमस मार्केट है तिब्बतन मार्केट, जो कि इसी रोड पर है और वो ओपन है। तो मैंने उसको भी इस वीडियो में कैप्चर किया। तो ये है तिब्बतन मार्केट। मुझे कमेंट में क्वेश्चन आते रहते हैं कि बागा पे जो तिब्बतन मार्केट है वो ओपन है कि नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं जा ही रहा हूँ बागा तो इसको शूट कर लूँ, जिससे आपको दिखा सकूँ कि ये मार्केट ओपन है, आप यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकते हैं। शॉपिंग के लिए एक परफेक्ट जगह है जहाँ पे आपको फ्ली मार्केट जैसा एक्सपीरियंस मिलता है। तो आप इसको प्लीज़ चेकआउट कर सकते हैं अगर आप गोवा आते हैं। तो तिब्बतन मार्केट के बाद जैसे ही मैं आगे जा रहा था बागा की तरफ, तो मैंने देखा कि यहाँ पे ज़्यादा शॉप्स ओपन है और क्राउड भी अच्छा है। तो अभी आपको दो ही डेस्टिनेशन है, जहाँ कैलिंगुट और बागा, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा क्राउड और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ओपन मिल रही है। और मैं बागा प्रेफर करूँगा आपको कि क्योंकि वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आपको ऑप्शंस है अवेलेबल शॉपिंग के भी, और शैक्स वगैरह के भी ज़्यादा ऑप्शन है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि अभी सबसे ज़्यादा हैपनिंग प्लेस जो है वो बागा है अभी। तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि सच में वो हैपनिंग है, आप देख सकते हैं थोड़ा क्राउड ज़्यादा है। और इसी में मैंने सोचा कि टीटोज़ लेन को भी कवर कर लूँ, क्योंकि वहाँ भी पता चल जाए कि क्या ओपन है सारी शॉप्स या टीटोज़ ओपन है नहीं है, वो आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। तो मैंने टीटोज़ लेन को भी कवर किया है। तो
ये है गोवा की सबसे फेमस लेन में से एक, टीटोस लेन। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी जानते हैं इसके बारे में टीटोस के कारण। तो टीटोस लेन में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ओपन है, बट हाँ क्राउड थोड़ा कम था इस टाइम पर। हो सकता है कि रात में थोड़ा ज़्यादा आता हो, इवनिंग में ज़्यादा आता हो, क्योंकि मैं इजीली अपनी कार लेके जा सका। यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि आप इजीली कार लेके यहाँ जा सके, मतलब अलाउड है कार ले जाना, बट क्राउड इतना रहता है कि लोग प्रेफर नहीं करते फोर व्हीलर ले जाना। बट मैं इजीली ले जा पाया, तो मैंने सोचा आपको ये लेन भी दिखा दूँ कि अभी यहाँ पे क्या ओपन है। लेफ्ट हैंड साइड पे है डिवाइड गोवा, ये भी ओपन है, अच्छा क्लब है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे नाइट क्लब या बार है, शॉप्स है, वो ऑलमोस्ट ओपन है, सब कुछ ओपन है। तो आप इजीली इस लेन में आ सकते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं। और ये रहा सामने सबका फेवरेट टीटोस, जो कि ओपन है, इसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ये सीज़न में ओपन रहेगा। हालांकि मैं दिन में आया था तो क्राउड नहीं था क्योंकि नाइट क्लब है, बट हाँ आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है टीटोस लेन, जो कि सब कुछ ओपन है, आप इजीली वॉक कर सकते हैं टीटोस लेन में। तो टीटोस लेन के बाद अब फाइनली हम जा रहे हैं बागा बीच की तरफ। तो देखते हैं बागा बीच पे क्या क्या ओपन है और कितना क्राउड है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बागा पर, और बागा पे अच्छा खासा क्राउड है, काफ़ी क्राउड है, कैलंगुट जितना ही मुझे लग रहा है, शायद उससे ज़्यादा लग रहा है मुझे पर्सनली बागा पे। ये रहा राइट हैंड साइड पे बागा लिखा हुआ साइन बोर्ड। और सीधा मैं पार्किंग में जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि पार्किंग में कितनी का पार्क है, बस पार्क है, उससे आपको आइडिया लग सकता है कि अभी भी कितने लोग हैं यहाँ पे। आप रोड पे देख ही सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, काफ़ी ज़्यादा आपको रोड के दोनों तरफ गाड़ियाँ दिख रही है, लोग दिख रहे। राइट हैंड साइड पे भुट्टे वाले भी है, जो कि मॉनसून में आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये है बागा की मेन पार्किंग। तो अब देखिए काफ़ी कार्स है, काफ़ी फोर व्हीलर है यहाँ पे, टू व्हीलर है यहाँ पे, बस भी पार्क है। और लास्ट टाइम आया था तब भी ऑलमोस्ट इतने ही व्हीकल्स थे पार्किंग में, और अभी भी उतने ही व्हीकल्स है। तो क्राउड लगभग सेम है, ना कम हुआ है ना बहुत ज़्यादा हुआ है बागा पे। और मैं पहले भी कह चुका हूँ बागा सच में हॉट स्पॉट है इस मानसून सीज़न का, तो लोग प्रेफर कर रहे हैं बागा आना। तो अब हम सीधे चलते हैं बागा बीच की तरफ। तो ये यहाँ से हम आए थे सामने से, और राइट हैंड साइड पे ये है बागा की मेन एंट्री। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा क्राउड है, डिसेंट क्राउड है। और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे भी काफ़ी भुट्टे वाले हैं, आप यहाँ से भुट्टा ले सकते हैं। आई थिंक 50 रुपीज़ के आसपास दे रहे थे ये लोग, और बारिशों में आप इंजॉय कर सकते हैं भुट्टा। तो
ये रहा बागा बीच, और जैसा मैंने कहा था कि क्राउड शायद उतना ही रहेगा जब मैं लास्ट टाइम आया था, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा कम क्राउड है। फ्राइडे के हिसाब से ठीक है, बट मुझे लगा कि शायद उतना ही क्राउड है बाहर कार पार्क को देख के, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा कम है क्राउड। और मैं ये एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि यहाँ पे थोड़ा जो सी था वो कम रफ था, कैलिंगुड पे कुछ ज़्यादा ही रफ लगा मुझे, वहाँ पे बहुत तेज़ आ रही थी वेव्स, बट यहाँ पे थोड़ा कम था। अब आई डोंट नो कि क्यों कम था, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट आप देख सकते थोड़ा लोग सी के अंदर तक जा रहे, वहाँ पे तो बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे लाइफ गार्ड, यहाँ पे थोड़ा सा अंदर जाना अलाउ कर रहे, और सी को देख के भी मुझे थोड़ा कम वेव्स उसकी ऊंची और बहुत तेज़ हिट करती हुई नहीं दिखी जो कि मुझे कैलिंगुड पे दिखी थी। तो ये है सिचुएशन अभी बागा बीच की, लोग इंजॉय कर रहे हैं बीच को, और थोड़ा सी में भी लोग है, ज़्यादा अंदर नहीं है, बट हाँ वेव्स को तो फील कर ही रहे हैं लोग। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो शैक्स है परमानेंट वो सब ओपन है, तो कोई फिक्र की बात भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो में मैंने आपको ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया कि कैलिंगुड पे क्या सिचुएशन है, कैलिंगुड से बागा की जो रोड है इस पे क्या सिचुएशन है, अभी कितनी शॉप्स ओपन है और आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती है। तिब्बतन मार्केट को भी कवर किया मैंने और टीटोज़ लेन भी। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको सारे डाउट्स अपने जो है मानसून सीज़न को लेके गोवा के तो आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। और आपको ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी हिट करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। सो दैट्स इट, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।